प्रणाम दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप बीटेक कॉलेज इन इंडिया, टॉप बीटेक प्राइवेट कॉलेज। आप लोग में से एक बंदे कमेंट करते हैं, हेलो भाई, बीटेक करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसा रहेगा? तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। अभी किस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा बेस्ट बीटेक कॉलेज इन इंडिया, बेस्ट बीटेक प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, जो कि आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रहेगी। देखो, मैं आप लोग को बस एक रास्ता बता सकता हूँ, कंप्लीट सर्च आइडेंटिफिकेशन ये सब आपको खुद ब खुद करना होगा। अगर आप लोग अभी 12th पास किए हो या फिर 10th क्लास में हो और आगे सोच रहे हो बीटेक करने की, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए जो लोग आगे चल करके बीटेक करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप बीटेक कॉलेजेस बताऊंगा पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, इंडिया से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस इंडिया में भ्रमण करेंगे और बेस्ट बीटेक कॉलेज देखेंगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि दो पार्ट्स, पहले पार्ट में तो बीटेक अगर करना है तो गवर्नमेंट से कर सकते हो, और दूसरा आप लोग का प्राइवेट कॉलेज है, जो कि हम लोग इसमें प्राइवेट कॉलेज को भी देखेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बस कॉलेज देखेंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। अगर आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि इस कॉलेज से हमको बीटेक करना है भैया, तो उसके बारे में आपको खुद ब खुद अच्छे से सर्च करना होगा, नहीं तो नीचे आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो उस पर पर्सनल ला करके दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो कि 2000 से ऊपर अप्रॉक्स स्टूडेंट्स, 2000 से ऊपर प्राइवेट इंजीनियरिंग बीटेक कॉलेज इस इंडिया में है। जी हाँ दोस्तों, 2000 तो मैं कम बोल दिया, एक सर्वे से ये पता चला है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बीटेक कॉलेज दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले पे, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो 3548 लैटरल इंट्री बीटेक कॉलेजेस एंड काफ़ी सारे आप लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा होगा, तो पढ़ लेना। तो कंप्लीट आप लोग के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हाँ चलो, मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे को कॉलेज भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीटेक किस कॉलेज से करूँ। क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सही रहेगा, क्या एलपीयू सही रहेगा, क्या मतलब मारवाड़ी यूनिवर्सिटी सही रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस है जिसके कारण आप लोग को हो जाती है कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा वीडियो के तहत इस वीडियो में अभी दिखाता हूँ। तो टॉप बेस्ट बीटेक कॉलेज इन NIRF रैंकिंग के तहत देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका एंड वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर से आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। देखो, इसमें आप लोग काफ़ी IIT भी शामिल होंगे, NIT भी शामिल होंगे और NIRF के रैंकिंग पे भी शामिल होंगे। बस मैं आप लोग को इस वीडियो में टॉप बीटेक कॉलेज बता रहा हूँ, जो कि मिक्सअप है सब कुछ है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसमें प्राइवेट कॉलेज की बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट की बात करेंगे आपके कमेंट बेस पे आने वाली वीडियो में। तो प्राइवेट कॉलेज ये रहा आप लोग के सामने, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VITS पिलानी, अमिती यूनिवर्सिटी नोएडा, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कॉलेज से फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हो बीटेक, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हेल्प कंटेंट इस चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। एंड अब स्टूडेंट आप लोग बोलोगे 2023 के रैंकिंग पे टॉप बताइए, तो यार आप लोग के डिस्प्ले पे VITS पिलानी, जो कि अभी मैंने आप लोग को बताया, फिर से इसमें VITU वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है, फिर से थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, TIET को बोलते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है, जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे अच्छे से। फिर नीचे आ जाते हैं BIT मरसा रांची। देखो, रांची पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन गाइस जो दिखा रहा हूँ वो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाली है। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट अभी 12th पास किए होंगे और वो लोग चाह रहे होंगे कि साउथ साइड जाए या फिर जम्मू कश्मीर साइड जाए, मुंबई साइड जाए, इस साइड जाए। तो ये रहा आप लोग के डिस्प्ले पे, अगर आप लोग मतलब मिड में रहना चाहते हो तो आप लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले, लोन से ले, कैसे ले, इस पर मैंने पर्सनल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, चेकआउट करके देख सकते हो। कंप्लीट आप लोग के लिए, अगर पैसे भी ज़्यादा नहीं है, एक मिडिल क्लास से हो, डिपेंड करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर के बीटेक कर सकते हो। हाँ मतलब बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड आप लोग को मैं अमित यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, तो अगर आप लोग का थोड़ा सा बजट वगैरह कम है और बीटेक की पढ़ाई करना चाहते हो, तो अमित यूनिवर्सिटी भी आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। अब अमित यूनिवर्सिटी भी क्या कर रही है कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी करवा रही है, तो आप लोग को अगर ऑनलाइन पढ़ने का मन है तो अमित यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के नाम से ही अमित यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कराती है बीटेक कोर्सेज, बीटेक नहीं काफ़ी सारे टेक्निकल डिग्री कराती है, तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो घर बैठे। नीचे कमेंट करना, मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। अब चलते, छोटा सा मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा क्लिप बनाया है, जो कि ऑल बीटेक प्राइवेट कॉलेज
अभी मैं इस वीडियो में, इस क्लिप में दिखा रहा हूँ, नीचे आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, आप लोगों को तो कॉलेज मिलता ही नहीं होगा। और स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिखाए थे कि 3800-2500 इतने इतने कॉलेजेस है, तो कुछ कॉलेजेस मैं आप लोग को यहाँ पे क्लिप में दिखा दे रहा हूँ, देखा चेकआउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा नाम है, IIT बेंगलुरु बेंगलुरु हो गया, फिर यहाँ से BMSCE बेंगलुरु हो गया, फिर KCT कॉलेज हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पे IIT इलाहाबाद हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पे HITS चेन्नई में मतलब बीटेक कॉलेज है, CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कंगू इंजीनियरिंग कॉलेज इरोड में है, मतलब इंडिया में ही है। एंड उसी के साथ साथ CBIT हैदराबाद, फिर से यहाँ पे आते हैं VFSTR, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के। गाइज मैं आप लोग को मैं नाम दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक कॉलेज को सर्च कीजिए जिसमें अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, उसके बारे में अच्छे से सर्च कीजिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन, कितनी फ़ीस लगती है, कितने उसके फीस स्ट्रक्चर है, कितने साल में डिग्री कंप्लीट कराती है, इस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करके आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर सर्च नहीं कर सकते हो नीचे कमेंट करो, जिस कॉलेज पर बोलोगे उस कॉलेज का पर्सनल छोटे छोटे बेसिक पॉइंट पे आप लोग को वीडियो बना के मैं दूंगा, तो आप लोग की हेल्प हो जाएंगी वहाँ पे। फिर थोड़ा सा हम लोग आते हैं लिस्ट ऑफ टॉप प्राइवेट बीटेक कॉलेज इन इंडिया बेस्ड ऑन 2023 रैंकिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिलहाल आप लोग नीचे कमेंट करना कि आप लोग किस कॉलेज को सिलेक्ट किए हो और किस कॉलेज से जा कर के आप लोग बीटेक करने वाले हो। फिलहाल आप लोग बीटेक किस मतलब किस कोर्स में करना चाहते हो, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, किस पार्ट्स में करना चाहते हो, आपका जो कोर्स का जो एक मेन मकसद होना चाहिए वो आप लोग का क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि बोला जाता है कि आप लोग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या फिर बीटेक इन मैकेनिकल कर रहे हो या फिर सिविल कर रहे हो। और हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, सिविल के लिए मैं आप लोग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग भी जो मतलब जो वीडियो आप लोग को चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बेस्ड पे ही वो वीडियो रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए साथ बात करूंगा बेस्ट इंडियन आर्मी कॉलेज एंड प्लस बेस्ट MBBS कॉलेज इन इंडिया। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर लो, नेक्स्ट वीडियो की आपकी हेल्प की। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।